Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you how to solve the problem forfeited and reissue related. Okay, अब ये भी एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन में से एक है. देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं. SS Limited forfeited 1000 equity share of Rs. 100 each for the non-payment of first call Rs. 20 per share and second and final call of Rs. 25 per share. अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट की है, यानी कंपनी ने जो फॉरफिट किया हुआ है कितना शेयर किया हुआ है, 1000 शेयर, ठीक है, जिसमें से क्या क्या नहीं मिला था उसको कंपनी को, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल रुपीज एंड सेकेंड कॉल. अब देखिए फर्स्ट कॉल की रुपीज कितना बता रही है कंपनी बता रही है फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला, 20 रुपीज, सेकेंड कॉल में कितना नहीं मिला, 25. अब कंपनी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है आपसे कि कंपनी कितना, ये अमाउंट तो नहीं मिली है कंपनी को, यानी कंपनी का एक शेयर की प्राइस कितना बता रही है, 100 रुपीज ईच का है, पर शेयर कितने का है, 100 रुपीज, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, ठीक है. अब 100 रुपीज ईच में से अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है यहाँ पे, 45, यानी 45 रुपीज तो नहीं मिला, मिला कितना कंपनी को, यानी कंपनी को जो मिला हुआ है वो कितना मिला है, 45, यानी कॉल इन एरियस को माइनस कर देते हैं, कॉल इन एरियस को, तो कंपनी को मिला कितना है, 55 रुपीज पर शेयर. ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है, पहला जो पूछा जा रहा है, कैन दिस शेयर बी रीइश्यूड, यस दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड, ये शेयर रीइश्यू किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है. प्रॉफिट शेयर कैन बी रीइश्यूड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज व्हेन इट सो डिसाइड, यानी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से कर सकते हैं, वो किस पे कर सकते हैं, सच शेयर कैन बी रीइश्यूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, इस टाइप के जो शेयर को कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके एट पार और एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम में किया जा सकता है. ओके, अब सेकेंड कंडीशन क्या करा है, इफ यस स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यू, यानी कंपनी कितने से कम पे वो रीइश्यू कर सकती है, ठीक है. तो ये क्या है कि कंपनी क्या बता रही है कि कितने मिनिमम में जा सकती है, कंपनी का जो शेयर जो इशू कर रही है वो कितने कम पे कर सकती है, दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड अलाउड डिस्काउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ऑन सच शेयर, यानी इस शेयर में जितनी फॉरफिट के अमाउंट से एक्सिस्ट नहीं जा सकती है, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कहाँ तक हो सकता है, फॉरफिट शेयर कैन बी रीइश्यूड एट रुपीज 45 पर शेयर, यानी कंपनी इसको 45 रुपीज तक रीइश्यू कर सकती है, क्यों, क्योंकि कंपनी को ये 45 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका है, ये अमाउंट तो कंपनी को मिला कितना नहीं था, 45, यानी कंपनी कितने पर रीइश्यू तक जा सकती है, 45 रुपीज तक. ओके, अब थर्ड क्या चीज पूछा जाता है इसमें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ दिस शेयर वेयर रीइश्यूड एट रुपीज 50 पर शेयर फुली पेड अप, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, अगर कंपनी इस शेयर को अगर रीइश्यू कर रही है कितने पे, 50 रुपीज पर शेयर पे, तो कंपनी के कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना आएगा. तो अब जब अमाउंट कितना आएगा तो उसके लिए देखते हैं कि कंपनी को मिला कितना था, ठीक है. तो जो कंपनी को कैलकुलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के अमाउंट आ गई, तो अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड के अमाउंट कितना मिला था, तो यहां पे अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड की अमाउंट कितनी थी, फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, 1000 इंटू 55 कितना मिला कंपनी को, 55,000. कंपनी जो रीइश्यू कर रही है, कंपनी जो रीइश्यू कर रही है तो कंपनी उस पर डिस्काउंट क्या दे रही है, तो लेस डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन किस पे, रीइश्यू पे, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रेसू, कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है, कितने रुपीज तक कर रही है कंपनी, करिए 50 रुपीज में, 100 के शेयर को कंपनी जो रेसू कर रही है कितने में कर रही है, वो 50 रुपीज में, यानी डिस्काउंट कितना दिया, 50, तो कितना हो गया, 1000
इंटू 50 कितना आ गया 50,000। यानी कंपनी के पास अभी भी जो कैपिटल प्रॉफिट आ रही है कितने रुपीज का बचा हुआ है, माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 5,000। यानी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट होगी, जो गेन होगा, गेन ऑन रजिस्टर जो ट्रांसफर होगा, ये क्या हो जाएगा, गेन ऑन रेसू ट्रांसफर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगा, आगे इसको नीचे कर देते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफर कर सकती है कंपनी, 5,000। इस टाइप से ये प्रॉब्लम था, थ्योरी बेस पे थे। अगर आपको चीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।